नमस्कार, जीडी न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 जो जो नजदीक आ रहा है, तो त्यों दिग्गज में दिग्गज जो अपनी गोटियां बैठाना चाह रहे हैं वो दल बदलने की फिराक में लग चुके हैं। ऐसी एक समाचार जनपद सहारनपुर से भी आ रहा है। समाचार इस तरह से है कि उसमें कहा गया है कि दो मंत्री, पूर्व मंत्री दल बदल कर, या यूं कहा जाए अब भाजपा में जाने की गोटियां बैठा रहे हैं। यह दावा जीडी न्यूज आपके साथ बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यह दावा किया गया है एक दैनिक पेपर के द्वारा। दैनिक पेपर किस तरह का दावा कर रहे हैं, बातचीत करेंगे, देखेंगे, इसमें जानेंगे। इसमें लिखा है, दैनिक पेपर में जो समाचार है उसमें लिखा गया है, सहारनपुर के दो पूर्व मंत्री भाजपा की शरण में पहुंचने की चर्चाएं चल निकली हैं। यह सब हवा हवाई नहीं है। सियासी पंडितों का कहना है कि एक पूर्व मंत्री 2 फरवरी को भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, तो दूसरे की एंट्री बसंत पंचमी के आसपास होनी बताई जा रही है। पेपर यह भी लिखता है कि हालिया विधानसभा चुनाव में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार बनाने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को लेकर अभी से राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है ताकि विरोधियों की बाजी पलट जाए। कहना होगा कि पूर्व उत्तर प्रदेश में राजभर मौर्य, प्रजापति निषाद बिंद मौर्य पिछड़ी जाति को लेकर लामबंद कर चुके भाजपा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरह की गोलियां, कच्ची गोलियां नहीं खेलना चाहती। यहां पर जाट, गुज्जर, सैनी, कश्यप व अन्य जातियों में पेट बनाकर ही लोकसभा चुनाव में परचम लहराना संभव हो सकता है बीजेपी का। पेपर के समाचार में यह भी लिखा गया है, सहारनपुर की अगर बात करें तो कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद कांग्रेस जाने से चुनाव हिंदू मुस्लिम होना तय हो जाता है। हालांकि यह भी बात सही है अगर हम बात करें कि इमरान मसूद की चर्चाएं बहुत ज़्यादा है चुनाव लड़ने की, लेकिन गठबंधन में सीट सहारनपुर किसके हिस्से में आती है देखने वाली बात होगी। पेपर यह भी लिखता है कि पिछड़ी जाति में जहाँ तक बात की गई है कि सैनी बिरादरी की संख्या सहारनपुर या सहारनपुर क्षेत्र के आसपास काफ़ी हद तक मानी गई है, बहुत बड़ी संख्या यहाँ सैनी निवास करता है। हालांकि भाजपा ने प्रदेश संगठन में जो मंत्री का ताज इसी जाति के जसवंत सैनी को भी पहनाने का काम किया है, या यूं कहा जाए संगठन में धर्मपाल जी को संगठन मंत्री बनाने का काम किया है धर्मपाल सैनी जी को। यही नहीं, सहारनपुर के मूल जसवंत सैनी को भी राज्य मंत्री बनाने का काम किया गया है। डॉक्टर महेंद्र सैनी संगठन में दूसरी बार जिला अध्यक्ष पद पर ताजपोशी अब हाल में की गई है। 4 बार के विधायक और 2 बार मंत्री रह चुके डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का अभाव न केवल राजनीतिक विश्लेषकों को अटक रहा है बल्कि उनके समर्थकों को भी उनका अभाव खटक रहा है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर भाजपा के शीर्ष स्तर तक नेता जो दिल्ली के लुटियान जोन में रहते हैं वह सहमत हो चुके हैं। माना यह भी जा रहा है धर्म सिंह सैनी को भाजपा ले सकती है, किस सीट पर उन्हें चुनाव लड़ाया भी जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी व्यापक जनाधार रखने वाले नेता हैं। उधर सैनियों की मांग उठी है कि उनकी बिरादरी से लोकसभा चुनाव किसी कद्दावर नेता को लड़ाया जाए। जाहिर है धर्म सिंह सैनी इसमें सबसे उपयुक्त नेता है। बहरहाल इनको लेकर अभी इंतजार बाकी है, लेकिन एक और पूर्व मंत्री भाजपा में जाने का पक्का माना जा रहा है, वह 2 फरवरी लखनऊ में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। पेपर ने यह बिल्कुल भी खोलने का कार्य नहीं किया है कि दूसरे पूर्व मंत्री कौन है। जीडी न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस समाचार को देखने के बाद या इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर यह बताने का काम जरूर करें कि दूसरा मंत्री सहारनपुर का आखिर वो कौन हो सकता है, या उसका नाम क्या हो सकता है जो अपने दल को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइनिंग जल्द कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।